औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं रिजवान अली दानिश, सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड, तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को दिल की अथागराइयों से अस्सलामु अलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये कह सकते हैं आप कि ये इंग्लिश ज़बान की जड़ है और इंग्लिश ज़बान मुकम्मल इसी के ऊपर बेस करती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप वैसे इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलचाल आप सीखने के शौकीन हैं, तो ये जितने भी लेक्चर्स मैं डिलीवर करूँगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आम ज़बान, आम फेम ज़बान में होगा, उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और जो चीज़ हमें उर्दू में समझ आएगी वो मेरा ख्याल है कि अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में समझाते हैं तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इसके जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपने वन बाई वन देखने हैं, सुनने हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ इंग्लिश का, मैं ये दावा तो नहीं करता कि आप एक बिल्कुल अंग्रेज़ बन जाएंगे या आपको इंग्लिश फर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे वादा करता हूँ कि इस जितने भी मैं लेक्चर्स आप तक पहुँचाऊँगा, आज मेरा पहला लेक्चर है, इसके बाद जितने भी लेक्चर इससे रिलेटेड होंगे, मैं ये आपसे वादा करता हूँ और आपको ये मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आप कम अज़ कम एज़ अ स्टूडेंट, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, हत्ता कि आप इसके अलावा ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती हैं आगे चल के एमए लेवल पे, तो इंशाल्लाह ताला आप इन लेक्चर्स को सुनने और देखने के बाद आप इस काबुल हो जाएंगे कि वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे मसाइल आपके जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद उनको हल करने की पोजिशन में होंगे। जैसा कि आपको बताया कि टेंसिस, अगर टेंस नहीं आते तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का ना आप तर्जमा कर सकते हैं, यानी ना ही ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर सकते हैं, ना ही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैट्रिक लेवल को उठा के देख लें, इसमें एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस हैं, इसके अलावा ट्रांसलेशन करना होती है, इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव टाइप सारे का सारा इन्हीं टेंसेज के ऊपर बेस करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स खास तौर पे मेरे इन लेक्चर्स को तवज्जो से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा उनकी पढ़ाई में हेल्प होगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने मेन ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे कि मेन टॉपिक है इसका इजी टेंस, यानी कि अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, टेंस ही सीखने हमने इंशाल्लाह। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर वन है, इसमें मैं वो चीज़ें आपको सिखाऊंगा जिस तरह मैंने हेडिंग दी है रूट्स ऑफ टेंसेस, यानी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टेंस के रूट सिखाऊंगा, वो जड़ें सिखाऊंगा कि जिनके बगैर आप टेंस समझ नहीं सकते और मुकम्मल टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको नज़र आ रहा होगा एक यहाँ पर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं वन बाय वन आपको क्लियर करूँगा। जैसे ही पहला आपने देखा होगा नाउन, आप कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही होगी कि शायद मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं टेंसेस के लिए वो चीज़ें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिनके बगैर आप टेंस को नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि पहले आपको इनके इसके रूट्स जो हैं वो आपको बताए जाएं। इसलिए रूट्स ऑफ टेंस क्या हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, ठीक है। नाउन, नाउन का मतलब इस्म होता है, नाम होता है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये नाउन आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि आ नाउन इज़ आ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर आ थिंग, यानी अगर आप इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं तो वो ये बनता है कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। अब देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अब दुनिया जहान में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों के नाम होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के नाम होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम होते हैं, जब तक आपको इन अशखास के नाम, जगहों के नाम या किसी चीज़ का नाम आपको सही तरीके से याद नहीं होगा तो आप किसी भी ज़बान में ना उसका तर्जमा कर सकते हैं ना ही वो ज़बान बोल सकते हैं। इसीलिए किसी भी ज़बान की वोकेबलरी जो होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है, और वोकेबलरी भी यही होती है जिसके अंदर आप अल्फाज का ज़खीरा करते हैं। वो ज़खीरा क्या होता है, वो यही ज़खीरा होता है कि किसी शख्स का नाम, अगर लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा किसी मखसूस जगह
या आम जगह का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको हम उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको पहले नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। अब देखिए, मैंने मिसाल दी है, मसलन मोहम्मद एक नाम है, एक इस्म है, इसी तरह अली भी नाम है, अशरफ भी नाम है। लाहौर, जैसी लाहौर आया तो आपके जहन में एक पाकिस्तान का शहर आया, इट्स मीन कि लाहौर का मतलब क्या हुआ कि ये किसी जगह का नाम है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, अब आपके जहन में ये बात आई कि इस्लामाबाद भी किसी शहर का नाम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है। इसी तरह कुर्सी, मेज़, वाइट बोर्ड, मार्कर, पंखा, इसके अलावा जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें पड़ी होंगी, आपको उन सब के नाम जो हैं वो याद होते हैं, आपको उनके नाम आते हैं। वो जितने भी नाम होते हैं, वो जितने भी इस्म होते हैं, आप उनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि अली गोज़ टू स्कूल। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है। अब आपने ज़रा इस पे गौर करनी है, गौर क्या करनी है कि इसमें देखना ये है कि इस सेंटेंस के अंदर जितना सेंटेंस मैंने ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, फिर इसका तर्जमा उर्दू में किया, आपने देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर इसम कौन कौन से हैं, यानी नाम कौन कौन से हैं। तो वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें अगर आप गौर करते हैं तो आपको एक ये नाम नज़र आएगा, ये इसम नज़र आएगा, अली। अली एक नाम है, एक शख्स का नाम है, आपको जाहिर हो गया कि अली एक शख्स का नाम है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आप गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये है स्कूल। स्कूल क्या है, किसी जगह का नाम है। अब इस फिक्रे के अंदर दो इस्म यूज़ किए गए हैं, दो नाम यूज़ किए गए हैं, दो नाउन यूज़ किए गए हैं, एक है अली और एक है स्कूल। लेकिन अली जो है एक शख्स का नाम है और स्कूल जो है वो एक जगह का नाम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मुख्तसर तरीके से पढ़ना है, ताकि ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर मैंने नहीं डालना। आपने वही चीज़ें सीखनी है, वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके लिए आसान हो और आप जल्दी अपने मकसद तक पहुंच पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नाउन के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम नाउन के बाद आगे चलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें ज़मीर। अब हम प्रोनाउन के मुतलक पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। लें जी, अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन पर पहले आपने गौर करनी है, जो मैंने टाइम की को बचाने के लिए पहले ही लिख ली है। The word which is used to avoid the repetition of a noun is called pronoun. अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है, प्रोनाउन को समझने के लिए वो उर्दू में भी गौर कर सकते हैं। जो लफ्ज़ किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। यानी जैसा कि इसकी डेफिनेशन से बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है, अगर एग्जाम्पल्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो यू, ही, शी, आई, वी, दे वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको इस्तेमाल करने का हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। देखिए, जब आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश का जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, बिलफर्ज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आगे मैं लिखता हूँ, अली इज़ आ गुड बॉय, अली इज़ माई क्लास फेलो, अली गोज़ टू स्कूल डेली, अली प्लेज़ विद मी। अब अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर गौर करेंगे तो मैं बार बार अली का नाम ले रहा हूँ। अब अली को अगर मैं बार बार उसका नाउन अली लिखता जाऊँगा तो क्या होगा कि इंग्लिश के जो ग्रामेटिकली भी एक तो ये गलत होगा, इसके बाद जो सेंटेंस होगा, जो मैं पैराग्राफ लिखूंगा, उसकी खूबसूरती भी बरकरार नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम अगर मैं अली को सिर्फ पहले सेंटेंस के अंदर मैं कहता हूं कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसके बाद मैं उसके लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी कि प्रोनाउन जो उसकी प्रोनाउन है ही, वो मैं यूज़ करूँगा। कैसे, बस मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जी, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। अब देखिए ना, अली के लिए मैं अब क्या यूज़ करूँगा, ही, यानी ही इज़
माय क्लास फेलो, ही प्लेज विद मी, ही goes to school daily. अब आपने गौर करना है, ये जो मैंने दो या तीन सेंटेंसेस लिखे हैं इंग्लिश के, इसके अंदर मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है. अब पहली दफ़ा तो मैंने यहाँ पर नाउन यूज़ कर लिया, मैंने लिखा जी अली, ये वाला जो है अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब मैंने एक दफ़ा अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड लिख लिया है, ठीक है. इसके बाद जब ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो आगे मैंने क्या लिखा है, ही इज़, यानी यहाँ पर ही जो है ये हैज़ अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ही इज़ माई क्लास फेलो. फिर मैंने यहाँ पर इसी का प्रोनाउन यूज़ किया, मैंने इसका नाउन यूज़ नहीं किया, यानी कि जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि प्रोनाउन क्या होता है, कि नाउन की जगह पे उसको यूज़ करते हैं आप, बार बार आप नाउन यूज़ नहीं करते बल्कि नाउन की जगह पे आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ये ही जो है ये भी प्रोनाउन, यहाँ पर भी मैंने प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ किया. तो अब आपने देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ उसका नाउन को यूज़ किया है, उसके बाद मैंने आगे जाके प्रोनाउन यूज़ किया. इसी तरह आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी चीज़ इंग्लिश के मुतलक लिखते हैं, तो आप कोशिश करें कि नाउन को फिक्रे में अगर एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी होता है. उसके बाद जो भी आगे लिख रहे होते हैं डेफिनेटली आप उसी नाउन के मुतलक लिख रहे होते हैं, तो आप नाउन की जगह पे अगर प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो ग्रामेटिकली भी दुरुस्त होगा, और जिस तरह के मैंने शुरू में बताया कि जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस की खूबसूरती जो है वो भी बहाल रहेगी. तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं या किसी शख्स के बारे में लिखते हैं, किसी जगह के बारे में लिखते हैं, जब आप किसी शख्स के बारे में लिखते हैं तो आप बार बार उसका नाम इस्तेमाल ना करें बल्कि उसके नाम की जगह पे आप प्रोनाउन यूज़ कर लें. वो प्रोनाउन जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल दी है वो ही नहीं बल्कि वो आपने सेंटेंस के हवाले से देखना है. आई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, शी ही यू, ये सारे के सारे प्रोनाउन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो गया. डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन को पढ़ने के बाद अब अगला रूट जो है टेंसेस को पढ़ने के लिए वो है पर्सनल प्रोनाउन का पढ़ना. यानी अगर आप प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक बड़ा अहम रूट है टेंसेस को समझने के लिए. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन की तीन इकसाम होती हैं. अब वो जो तीन इकसाम होती हैं आपने उन तीन इकसाम को गौर से पहले समझना है. पहले नंबर पे है फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कहते हैं मुतकल्लम को. मुतकल्लम का मतलब होता है गुफ्तगू करने वाला, बातचीत करने वाला. तो हम ये कह सकते हैं कि बात करने वाले को मुतकल्लम कहते हैं. मसलन आई और वुई, जब आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें अगर आपको आई और वुई नज़र आता है, इट्स मीन के आई और वुई जो है आई वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे. अगर प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा बंदा बात करने वाला है तो फिर उसके लिए आप वुई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. और ये दोनों क्या कहलाएँगे, फर्स्ट पर्सन, यानी बात करने वाले गुफ्तगू करने वाले को मुतकल्लम या फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. और इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन का मतलब यानी कि दूसरा शख्स या दूसरा आदमी. डेफिनेटली जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आपकी इस गुफ्तगू को सुनने के लिए किसी दूसरे बंदे का होना भी लाजम है, तभी वो आपकी गुफ्तगू पूरी हो सकती है. तो अब इसमें जब आपने टेंस पढ़ने हैं तो टेंस पढ़ने के लिए सेकंड पर्सन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पर्सन कौन होता है. यह है सेकंड पर्सन. अब सेकंड पर्सन क्या होता है, जिस तरह फर्स्ट पर्सन जब मुतकल्लम कोई बात करता है, जाहिर सी बात है कि आगे दूसरा बंदा सुनने के लिए भी मौजूद होता है. जो दूसरा बंदा सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है उसको सेकंड पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं, कि जिससे बात की जाए उस इसे हाजिर यानी मुखातब कहते हैं. यानी ऐसा बंदा जो आपके सामने, जो आपके रूबरू, जो जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं, और उसके लिए हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. मसलन आप एक बंदे को आप कह रहे हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसको कहते हैं कि आर यू लिसनिंग मी, या इस तरह जब भी आप इंग्लिश में अंदर गुफ्तगू करते हैं तो यू जो है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है. इसके बाद आगे आप आ जाते हैं थर्ड पर्सन के ऊपर. ये क्या है,
थर्ड पर्सन होता है गायब, वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके मुतल्लिक आप गुफ्तगू करते हैं। मिसाल के तौर पर हम दो दोस्त बैठ के बात करते हैं, अब तीसरा दोस्त जिसके मुतल्लिक हम तज़करा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, या वो आजकल इस्लामाबाद होता है, या आजकल वो किसी बैरूनी मुल्क में होता है। यानी उसके मुतल्लिक जब हम बात कर रहे होते हैं, उसका तज़करा कर रहे होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन होगा जो वहाँ मौजूद नहीं होगा, लेकिन हमारी गुफ्तगू में उसका जिक्र होगा जिसके बारे में बात की जाए और वहाँ मौजूद ना हो। उसमें अब आपने याद रखना है कि उसमें वो ही शी इट दे, जब इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाएंगे इट्स मीन के ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो गुफ्तगू का तो हिस्सा है लेकिन वो फिज़िकली वहाँ पर मादी तौर पे वहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ उसका तज़करा किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी। चूँकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर सा बताऊं, ज़्यादा इसके ऊपर मैं एक तवालत नहीं देता ताकि स्टूडेंट जो है उससे वो फेडअप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि टेंस समझने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब मैं टेंसेस को बाकायदा तौर पर शुरू करूँगा तो ये चीज़ें आपके इन चीज़ों के साथ आपका पाला पड़ेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल मुख्तसर सा इनका तारफ़ करवा रहा हूँ ताकि आपका एक माइंड सेट हो जाए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके बाद इसकी दूसरी जो हालत है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको आप उर्दू में कहते हैं मफूली हालत। तीसरे नंबर पे पोसेसिव केस यानी मलकीती हालत। अब हमने इन तीनों हालतों को एक स्ट्रक्चर की मदद से, मैं एक गर्दान आपको लिख के दूँगा उसकी मदद से हम इसको समझेंगे कि ये तीनों को हम कैसे यूज़ करते हैं और ये तीनों हालतें कौन कौन सी होती हैं। अब मैं वो आपको एक स्ट्रक्चर के ज़रिए तफसील के साथ बताऊंगा। अली जी, अब हम पढ़ेंगे केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट, मैंने आपके सामने सारा ये लिख दिया है। अब आपने इस चार्ट को ज़रा गौर से समझना है क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बारहा मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब आपने टेंसेस बाकायदा तौर पर सीखना शुरू करने हैं तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए आपने ज़रा इसको तवज्जो से समझना है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर सारे पर्सन लिखे हैं, जिस तरह पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा है, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, फिर पोसेसिव केस लिखा है। अब हम इसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस है वो आई, यानी सिंगुलर के लिए आई इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए जो है वो हम इस्तेमाल होता है। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ आई एम आ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। इसी तरह जब हम दो या तीन लोग इकट्ठे होते हैं, दो या तीन टीचर मेरे पास इकट्ठे खड़े होते हैं, उनमें से किसी एक टीचर ने बताना हो कि हम कौन है तो वो कहेंगे वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। यानी कि जब मैंने अपने अकेले का फर्स्ट पर्सन का तज़करा किया तो मैंने आई का लफ्ज़ यूज़ किया, यानी मैंने कहा कि आई एम अ टीचर। जब हम दो या तीन टीचर्स इकट्ठे खड़े हैं तो फिर किसी एक ने इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो फिर हम इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वी आर टीचर, यानी हम असातज़ा हैं या हम उस्ताद हैं। ठीक है, तो ये फाइली हालत आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर मैं जो मी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आई का ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब इसके बाद नेक्स्ट वी, वी का होता है अस, यानी हमें। ठीक है जी, अस हमें। मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश के कोई ऐसे लिख रहे हैं उसमें माई बेस्ट टीचर के बारे में लिख रहे हैं तो टीचर के मतलब आप लिखते हैं कि ही इज़ माई बेस्ट टीचर, या जो भी आप नाम लिखते हैं उसके बाद कहते हैं कि ही टीच अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब अस का मतलब ये हुआ कि आप पूरी क्लास को मफूली हालत में ले रहे हैं, सिर्फ आप अपनी बात फर्स्ट पर्सन अपनी बात नहीं कर रहे बल्कि वो पूरी क्लास की आप बात कर रहे हैं कि ही टीच अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो ये अस जो है ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। इसी अब हम आगे पढ़ेंगे पोसेसिव केस यानी मलकीती केस। अब इसमें मलकीती हालत के अंदर क्या होगा, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि जब आपने किसी चीज़ के ऊपर अपनी ऑनरशिप अपनी मलकियत जाहिर करना हो तो फिर आप उसको पोसेसिव केस में लेंगे। जिस तरह आई का पोसेसिव केस है माई,
ठीक है, दिस इज माई कार, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई पेन। अब माई का लफ्ज़ जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, क्योंकि माई हमेशा मलकियत के तौर पे यानी ऑनरशिप के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे कोई भी चीज़। आप अपनी मलकियत को जाहिर करने के लिए जब फर्स्ट पर्सन, मैं बिलफर्ज फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मैं जब भी किसी चीज़ को मलकियती जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा उसके लिए मैं हमेशा यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन। तो इसलिए याद रखें कि आई का जो पोसेसिव केस है वो हमेशा माई होगा। इसी तरह वी का जो पोसेसिव केस है वो होगा ओवर, हमारा। मिसाल के तौर पर एक स्कूल को ले लें, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर एक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वो कहते हैं कि दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई स्कूल। अब उस बंदे ने, अब दो या चार या पांच स्टूडेंट्स अगर इकट्ठे एक जगह पे खड़े हैं तो उनसे कोई क्वेश्चन करता है तो वो सारे स्टूडेंट्स की तरफ से एक बंदा जवाब देगा, वो क्या कहेगा कि दिस इज़ आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। तो इस लिहाज से वी जो प्लूरल है, वी का जो मलकीती केस या जिसको आप पोसेसिव केस कहेंगे वो बनेगा आवर, यानी हमारा या हमारे। इसी तरह आप नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पर्सन के ऊपर, सब्जेक्टिव केस। अब सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है वो यू, तुम, और ज़्यादा के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बंदे कहते हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हो। अब सेकंड पर्सन आपके पास एक है, आप एक बंदे को कह रहे हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसी तरह दो या तीन दोस्त आपके इकट्ठे एक जगह पर बैठ जाते हैं तो फिर आप उनके लिए भी लफ्ज़ जो प्लूरल के लिए यानी जमा के लिए, उनके लिए भी आप यू इस्तेमाल करेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स या यू आर माई फ्रेंड्स। तो मतलब ये हुआ कि यू जिस तरह ऊपर तो आपने इस केस के अंदर तो आपने वी यूज़ किया था ना, लेकिन सेकंड पर्सन जो है याद रख लें कि सिंगुलर के लिए भी आपने यू इस्तेमाल करना है और प्लूरल के लिए भी आपने यू ही इस्तेमाल करना है। जिस तरह के मिसाल के तौर पर एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करके कहता हूँ कि यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे शागिर्द हो। अब पूरी क्लास बैठी हुई है तो मैं पूरी क्लास को भी के लिए भी मैं यू का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं कहूँगा कि यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए आपने जब ज़्यादा को मफूली हालत में लाना हो सेकंड पर्सन के लिए तो आपने फिर भी यू का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं कि मफूली हालत में भी आप यू ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब मफूली हालत होगी तो फिर भी यू ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूं, मैं आप कहता हूं कि आई विल इन्वाइट यू, कि मैं तुम्हें दावत दूंगा, ठीक है। अब देखो ना, यू फिर यू लगाया मैंने, आई विल इन्वाइट यू कि मैं तुम्हें दावत दूंगा। इसी तरह अब आप ज़हन में रखिएगा कि सेकंड पर्सन जो है सब्जेक्टिव केस, इसका सिंगुलर वो भी यू, प्लूरल केस होगा तब भी यू, और इसके अलावा अगर ये ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है तो फिर भी आपने यू ही इस्तेमाल करना है। ये बात ज़हन में रखिए क्योंकि आगे चल के जब हमने इंग्लिश सेंटेंसेस को बाकायदा तौर पर बनाना है टेंसेस के अकॉर्डिंग तो फिर आपको ये चीज़ें बार बार वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेंगी। अब इसके बाद सेकंड पर्सन के लिए हम चलते हैं किसके पास, पोसेसिव केस के पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपने देखना है कि ये डिफरेंट क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर, यानी तुम्हारा। अब जब आपने मलकीती हालत में सेकंड पर्सन को जाहिर करवाना है तो फिर वहां पर लफ्ज आपने करना है योर, ठीक है। दिस इज योर पेन, दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर रूम, दिस इज योर फैन। यानी जब आपने सेकंड पर्सन को कोई ऑनरशिप जाहिर करवानी है उसके लिए तो आपने उसके लिए योर का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, योर यानी तुम्हारा, योर तुम्हारा। इसके बाद आप थर्ड पर्सन पे आ जाएं। अब गौर करें थर्ड पर्सन के ऊपर, तो थर्ड पर्सन जैसा कि इसकी तारीफ आप पढ़ चुके हैं कि ये गायब होता है, मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर उसके बाद उसके बारे में आप कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बारे में कोई तज़करा कर रहे हैं तो फिर आप उसको इस तरह डील करेंगे थर्ड पर्सन को कि वो अगर कोई एक अकेला है, कोई एक अकेला मेल है, ठीक है, वो लड़का है या मर्द है, अकेला है, तो आप उस अकेले के लिए आप ही इस्तेमाल करेंगे, यानी वो मौजूद नहीं है,
मसलन अगर वो दूर है तो आप कहते हैं कि ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है। अब इसी तरह अगर किसी फीमेल के लिए, फीमेल जेंडर के लिए, औरत के लिए, जब कोई सिंगल होगी औरत या लड़की तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे शी, शी इज़ अ नाइस लेडी, शी इज़ अ नाइस लेडी। अब वो वहाँ मौजूद नहीं है आपके पास लेकिन आप उसका तज़करा कर रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो फिर शी यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर प्लूरल केस में वो इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे और इसका तर्जमा वो होगा, और इसमें दोनों जेंडर्स आ जाते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टूडेंट है, अब वो अकेला है तो मैं कहूँगा कि ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब अगर कोई मैं किसी लड़की के बारे में जिक्र करूँगा मैं कहूँगा कि शी इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब मैंने, अब बॉयज़ भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स भी मेरी स्टूडेंट्स हैं, अब मैंने बॉयज़ और गर्ल्स को जब इकट्ठा करके उनके बारे में कोई तज़करा करना है, उनके बारे में कुछ जिक्र करना है, तो फिर मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, दे, फिर मैं दे यूज़ करूँगा, फिर मैं कह सकता हूँ कि दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। यानी इससे ये जाहिर होता है कि जब आपने मेल और फीमेल जेंडर को इकट्ठा करना है, यानी दो या दो से ज़्यादा, अगर मर्द भी दो या दो से ज़्यादा होगा फिर भी दे यूज़ करेंगे, अगर औरतें भी दो या दो से ज़्यादा होगी फिर भी आप प्लूरल के लिए दे यूज़ करेंगे। अगर मर्द और औरतें यानी दोनों जेंडर्स, मेल एंड फीमेल जेंडर्स इकट्ठे हैं, चाहे वो दो औरतें हैं या दस मर्द हैं या दस मर्द हैं या दो औरतें हैं, तो फिर भी आप जब आपने सीगा यूज़ करना है जमा का, तो फिर आपने इंग्लिश में वर्ड जो यूज़ करना है वो दे यूज़ करना है, ठीक है, दे यूज़ करना है। ये आपका था फाइली हालत में सब्जेक्टिव केस जब आपके पास आएगा। इसके बाद आगे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी मफूली हालत जो है वो थर्ड पर्सन की आप कैसे यूज़ करेंगे। मसलन ही की हो जाएगी हिम, शी की हो जाएगी हर। ये फ़र्क आपने यहाँ पर लाजमन याद रखना है कि ही के लिए हिम और शी के लिए हर, और इसी तरह दे के लिए क्या हो जाएगा, दे के लिए देम, ठीक है, यानी दे के लिए देम। अब हिम का अगर तर्जमा हम उर्दू में करते हैं तो उसे, हर का तर्जमा करते हैं तो उसे, और देम का अगर तर्जमा करते हैं तो इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी उन्हें, ठीक। अब मिसाल के तौर पर इंग्लिश में कोई मैं सेंटेंस बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई विल इन्वाइट हिम, मैं उसे दावत दूंगा। उसके बाद अगर कोई फीमेल जेंडर है तो मैं उसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा आई विल इन्वाइट हर। इसके बाद अगर दोनों मतलब वो गैदरिंग की जिस तरह की मैंने करनी है जिसमें मेल जेंडर भी है, फीमेल जेंडर्स भी हैं, तो फिर मैं उसके लिए क्या कहूँगा कि आई विल इन्वाइट देम, मैं उन्हें मधु करूँगा, आई विल इन्वाइट देम। तो देम का मतलब होगा उन्हें, यानी ये मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें मैं दोनों को मिला के जो है वो देम का वर्ड यूज़ करूँगा उन्हें। इसके बाद आगे चलते हैं पोसेसिव केस, थर्ड पर्सन के लिए पोसेसिव केस क्या होगा कि थर्ड पर्सन की अगर आपने मलकियत जाहिर करवानी है तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो उसके लिए याद रखिएगा ही, हिज, उसका, हिज पेन, हिज रूम, हिज क्लासरूम, हिज मोबाइल। यानी सिंगल पर्सन के लिए जब आपने कोई मलकियत जाहिर करवानी है तो आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हिज। इसके बाद अगर कोई फीमेल जेंडर है तो उसकी मलकियत आपने जाहिर करवानी है तो उसके लिए आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हर, ठीक है। दिस इज हर पेन, दिस इज हर रूम। तो ये हर जो है ये आपने शी की, पोसेसिव केस जो है शी का वो हर होगा। इसी तरह अगर आपने पोसेसिव केस दोनों का इकट्ठा जाहिर करवाना है तो फिर देयर, मसलन देयर रूम, देयर हाउस, या आपने कोई चीज़ मलकियत की जाहिर करवानी है तो आपने देयर का लफ्ज़, यानी उनका, उसका जब होगा तो फिर एक के लिए, जब उनका होगा तो वो दो या दो से ज़्यादा मेल जेंडर के लिए भी हो सकता है, वो दो या दो से ज़्यादा फीमेल जेंडर के लिए भी हो सकता है, या वो मेल और फीमेल जेंडर अगर इकट्ठे हैं दो या दो से ज़्यादा हैं तो फिर आप उनकी मलकियत जाहिर करवाने के लिए देर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी उनका, ठीक है, उनका। तो ये आपने जो स्ट्रक्चर आज पढ़ा है ये आपने लाजमन याद करना है और इसको
गौर से आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको गौर से सुना होगा। अगर आपने गौर से नहीं सुना तो एक बार वीडियो को फिर आप रिपीट करके सुनेंगे तो आपको मज़ीद जो प्रॉब्लम इसमें होंगी वो सारी की सारी समझ में आ जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो केस जो मैंने आपको केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट आपके सामने लिखा है और मैंने इसको वो अहम चीज़ें आपको समझाई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।